की जान ठकुराइन कमला। अब चंदनपुर की शहरी रियासत अपनी हो चुकी है, अतः इस खुशी के अवसर पर कुछ ऐसा गीत गुनगुनाओ, फिर राजा ठाकुर के कलेजे को ठंडक मिले मेरी याद। तूने तो आज ठाकुर के कलेजे को ठंडा कर दिया। वाह वाह ठकुराइन वाह, कमाल कर दिया तुमने इस अवस्था में। ससुराली और सासू जी आपको नमस्ते। अरे ठाकुर साहब, ये कौन भारत में है जो आपको ससुर जी और मुझे सासू जी बोल रही है? पूछता है ठकुराइन, आखिर है कौन जो? क्या है कहाँ पर ठिकाना? कौन मेरा नाम क्या है कहाँ पर ठिकाना? हर पता किसी लिए तेरा यहाँ हुआ आना। चल लड़के, जो भी हो तू सच सच बता दे तो मैं तुम्हें अवश्य छोड़ दूंगा। देखिए बताऊंगी, पर सबसे पहले आप सासू जी को अंदर भेजिए। ऐसी बात है तो ठीक है ठकुराइन, तुम जाओ महल में थोड़ा आराम करो, तब तक मैं इससे कुछ मुझसे अकेले में कहना चाहती है। पूछो तो सही, देखो तो सही। ऐसा कौन सी बात बा जब हमारा सामना ना कर सकता हूँ? हमारा सामना तो कर सका था, लेकिन ठीक बा आप बोल रहे हैं तो मैं चले जाती हूँ, पर इससे बच के रहिए ना, मुझे खतरा नजर आ रहा है। परवाह नहीं, आओ करीब आओ मेरे। बताओ आखिर कौन सी ऐसी बात है जो मुझसे कहना चाहती हो? ससुर जी, मैं ना आपकी दूसरी बहू हूँ, मेरा नाम है सीमा। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो आपकी पहली बहू थी, जैसा आप चाहते थे वो उसने वैसा कुछ नहीं किया, पर मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी जैसा आप कहेंगे। पर मेरी एक शर्त है। कौन सी शर्त है बताओ? शर्त मेरी बहुत आसान है,
बताओ बताओ। शर्त मेरी ये है, आप मुझे खाली इतना बताइए कि आपकी पहली बहू मरी कैसी। हो इतनी छोटी सी बात है, इतनी छोटी सी बात, लेकिन इसके बाद मैं जो चाहूँगा वही जो होगा। बस यही तो बात थी सीमा, यही बात थी कि जो मैं चाहता था वह कर नहीं सकती थी, और दूसरी तो मेरे सारे किए किराए पर पानी फेर दिया था। तो हम ठकुराइन कमला और मैं दोनों मिलकर उसका गला घोट कर बाबू साहेब ऐसा जी सोचा फंसा जी काबाज नहीं हमें कुछ कालम दाल लगा था। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। अब हम जाते हैं बाबू साहेब ड्यूटी छोड़ के। इस मामले में कोई समझौता नहीं बाबू साहेब, बताया जिन कहा था। ठीक है जाओ तुम थोड़ा। हाँ, फंस जाओ। यही सब दोनों मिलकर कला दबा कर रस्सी से खोद कर उसका गला मार डाला। अच्छा तो ऐसे मरी आपकी बहू। हाँ आपने और आपने आपकी पत्नी ने मिलके मारा। मिलके मारा भाई। वाह अच्छा मैं आपके लिए एक गिफ्ट लाई हूँ। अरे फिर जल्दी करो, वही तो मैं गिफ्ट के लिए परेशान हूँ कब से। बस गिफ्ट आने वाला है, बुलाओ। हाँ जल्दी जल्दी मैं देखना चाहता हूँ। बस आ जाइए। बोलो हो गया तू है का तुम पिया तो हाथों में मेरे आ गया। तुमने जो भी बातें कही है सारी की सारी बातें रिकॉर्डेड में रिकॉर्ड हो चुकी हैं श्रीमान चाचा राजा ठाकुर, इसलिए मैं तुम्हें अपनी पत्नी के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार करता हूँ। यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर राजा ठाकुर। ठीक है बेटा, अगर तुम्हारा कानून तुम्हें यह इजाजत देता है कि जिसने पाला पोषा उसी को गिरफ्तार आज कर रहे हो तो कर लो, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं। लो लेकिन पालन पोषण करने का यह मतलब नहीं होता है कि उसका गलत प्रयोग किया जाए। एक बाप अपने बच्चे का पालन पोषण करता है इसलिए नहीं कि वो उसे कातिल बनाएगा, वो उसे मुजरिम बनाएगा, वो उसे आतंकवादी बनाएगा, इसलिए बाप अपने बच्चे का पालन पोषण नहीं करता। वो इसलिए पालन पोषण करता है कि उसे अच्छी नसीहत देगा, अच्छे संस्कार देगा, अच्छी पोस्ट पे पहुंचाएगा। और तूने तूने वो सब किया, लेकिन तूने ऐसा घिनौना काम कर दिया जो इस दुनिया का सबसे सबसे कमीना इंसान करता है। मेरी पत्नी रिश्ते में तेरी बहू होती थी ना, वो तेरे लिए बेटी के समान थी, लेकिन तू हरामखोर उसके साथ अपने मुंह काला करना चाहता था, लेकिन वो गरीब थी, गरीब की इज्जत सब कुछ है, इसके अपनी इज्जत कुर्बान नहीं किया। तुम दोनों ने मिल करके मेरी पत्नी का कत्ल किया और मेरी रियासत को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की, इसलिए हराम जादे मैं तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। नंबर बोला बस। नंबर एक। नंबर एक है हाथ ऊपर। और नंबर दो हाथ ऊपर। और नंबर राजा ठाकुर, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो फूटना ही पड़ता है। समय का चक्र है तो चलता रहेगा। बेटा अपने कानून का पालन करो और मुझे गिरफ्तार करो, यही मेरा प्रायश्चित है। लेकिन कोई बात नहीं है, हवलदार इन दोनों को कैद खाने में डाल दो,
फिर इसके बाद मनमाने ढंग से इन्हें टॉर्चर करेंगे। और ये सावन कुमार का, ये मेरी सगी लड़की नहीं है बेटा, ये सावन कुमार का दूसरी बहन है। दूसरी बहन? हाँ बेटा, इसको मैं मेला में पाला, मेला में पार उठा लिया है। अब क्या करें बेटा, इसको सजा पाला और पढ़ाया लिखा अच्छी मल वाला औलाद नहीं रही। नहीं बढ़िया काम का है, चला ठीक है बा। प्रिया मेरी सगी बहन थी। हाँ वो सगी बहन। जब सेठ तुम जानते थे, तुमने बताया क्यों नहीं? बेटा ऐसे अपनी समय पास होते गया और सावन कुमार की मुसीबत देख करके मैं भी ऐसे चलता रहा। अच्छा आप, मैंने आप अपना वादा पूरा किया ना, अब आप अपना वादा पूरा करो। एक बार तो अपने पापा से पूछ लो, क्या वो विवाहित पुरुष से अपनी बेटी की शादी करना चाहेंगे? अब भागत का है यहाँ, दूठ मंत्र पढ़ दे थे, एक आका दूठ मंत्र पढ़ दे थे, आज हमार नवनिया नाइब, हमार मन लागत नाइब। नवनिया हो तो बढ़िया से ब्याह कराई, अबेर वार कराई दे थे, चला देखा जाए बाद में। क्या था लुच्चा कांड में आवा, लुच्चा कांड में हम आवे ना चाहते ही। राम राम कहो समरत थई, जन नहीं नऊ बावत नहीं भई, दिन में भई दरात में लारी, वो तो भी सारे लाडे महतारी। ये कैसा उल्टा पुल्टा है? कनाई कहा थे हम गंगा माई कहा थे। ये कैसे? ये सुबह लहरा मारत रात बहनी के समान, दतिया में अस्थिर हो जाए थे नारी के समान, जब सबेरवा डुबकी लगा भक्त लोग काठे हर हर गंगे माई, हर हर गंगे फटवा चमड़क थैली है, जितने फिरबा उतने ही भरे। राम राम कहु राम के कहिया, चारों कानन लो बही। कौन संस्कृत पढ़ाता है तू? दही दही मारत दही है, अब का बताई कि बगले आज मिस्त्री है नोलरा है, पूछ ले। एक दिन वह नहीं दुकानिया बैठा रहे। हाँ अरे मिस्त्री हो मोहन टाल वाले? हाँ हाँ ये बैठा रहे, एक जने पहुंचन कहा यार हो रही है ब्याह पड़ा बा, आज उन्होंने पोलरा है देखा तो है, चार टागू में लगी बा, देखा बोलरा है, वही बोलरा हुआ है, चाहे चारों टंगिया मिला देता खटिजवा के, यार चार पहिया के बहुत चला, चाहे चार पहिया के चारों टंगिया मिला देता लग जाए घर ब्याह पड़ा बा, वही हम चौपाई होके बनैले है, कुछ न लैया न बम्बा जल लिया न गंगा जल लैया, सादा सादा ब्याह करवावट है, न सेनुन लिया न जयमाल लिया यार, न गाड़ी घोड़ा लिया यहाँ कुल यार, बेटवा तू ब्याह कराओ था, एक ही गाड़ी वाई रही तू भेज दे है, मान लो वह लिया चली। अरे कुल गाड़ी तो दिखा बहन तो हम, चाहे गाड़ी ना वो चार चक्का तो और कुछ तो हो गई करे ना। अरे तो दो चक्का जमाना थोड़ी बा, कब हम सवारी से लिया जात रहे पैदल आई। ओ मंगल भगवान बोलो मंगल 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 गाड़ी का जय मंगल है तनो हरे, वसुंध महाकाय सूर्य को सप्रबन्य तुम प्रमदे सरकारे सुसर्वदा, तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें विद्या गुणम तुम्हें सर्व कर्म मम देव देव, करे रवीरा परिवादंतु तथा जपंतु म परे रमालाम, मराय पिता जन संयुषा सरस्वती ताम शिरसा। पांच छठ भावरी घुमाई जा, तो बा कुछ ना से नोट लिया ना है, हम जानत रही धीरे धीरे पौवा करो भारी धनिया, गोरे गुरना अचल रहे अभिवाद तुम्हारा, और जब तक गंगा जमुना जल धारा, वो सियावर रामचंद्र की